जुकाम खांसी के लिए बिल्कुल घरेलू नुस्खे ही हमारे काम आते हैं और उससे हम लोग सही हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यही सर्दी जुकाम खांसी अगर बढ़ जाता है तो काफी टेंशन वाली बात हो जाती है, जो कि आजकल के माहौल में वो चल रहा है, तो क्यों ना हम घर पे ही इसे अच्छा कर ले। तो उसके लिए मैं आप दो घरेलू नुस्खे आपके लिए लेके आई हूँ। एक तो हल्दी नींबू का पानी, जो कि नॉर्मली आराम से घर में बन जाएगा। हल्दी तो पता ही आपको कितनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है और काफी लाभदायक भी होती है हमारे लिए। इसे बनाकर दिन में दो टाइम हमने पीना है, काफी अच्छा रहेगा। उसके साथ ही घर पे बना हुआ ही होममेड काढ़ा आपको बताने जा रही हूँ। जब भी मैंने काढ़ा लिया था पैकेट से बना हुआ, तो मुझे काफी गर्म करता था, तो हमेशा मना होता था कि नहीं, मैंने मुझे नहीं पीना। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम कम मसालों वाला काढ़ा बना लें और फिर उसे पिए तो शायद लाभकारी होगा। तो मैंने ऐसा ही किया, बहुत ही कम मसाले से मैंने घर पे काढ़ा बनाया और मैंने पिया तो मुझे काफी फायदा हुआ है। तो दोनों की रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ, जरूर से आप ट्राई कीजिएगा। अगर उसके अलावा आप पास भी कोई रेसिपी हो या आपका कोई घरेलू नुस्खा हो जो कि सर्दी जुकाम खांसी के लिए लाभकारी है, तो जरूर कमेंट्स करके मुझे बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, उन्हें फायदा होगा। तो आइए पेपर से हम देख लेते हैं दोनों के इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका। इसके लिए हमें कोई ज्यादा चीज नहीं चाहिए, बस हल्दी चाहिए। अगर शुद्ध ऑर्गेनिक मिलती है हल्दी पाउडर तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल हल्दी पाउडर आप यूज कर सकते हैं। सेंधा नमक, नींबू का रस और एक गिलास पानी। पानी को हम गर्म करके ही यूज करेंगे। और अगर आपको टेस्ट थोड़ा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें गुड़ डालें थोड़ा सा, या फिर शहद डाल सकते हैं। तो आइए जल्दी से हम रेडी कर लेते हैं। एक पॉट में पानी गर्म करना है, इतना ध्यान रखिए पानी सिर्फ हमें गर्म करना है, बॉयल नहीं करना। पानी गर्म हो गया है, अब मैं गैस ऑफ करके जल्दी से बना लेती हूँ। अब एक गिलास में बिल्कुल 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लेना है, इतना ही नमक और गरम गरम पानी डाल देते हैं इसमें। और नींबू, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी बहुत फायदा करता है। बस इसे सुबह शाम दो टाइम पीना है और हम बिल्कुल बचे रहेंगे काफी हद तक। डाल के मिक्स कर लेते हैं और गरम गरम ही इसे पीना है, बहुत फायदा करेगा। हम लोग अपने इस काढ़े में कोई ज्यादा चीज नहीं ले रहे हैं, बस लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची, ये छोटी वाली ग्रीन इलायची हमने लेनी है, और बस इन सबको मिलाकर हम लोग पीस लेंगे। मिक्सी में पाउडर बना लेते हैं और झटपट से काढ़ा रेडी करते हैं। अब एक पॉट में मैंने पानी गर्म करने रखा है। पानी गर्म करने के साथ ही जो देखिए पाउडर है मैंने बन गया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें बिल्कुल हमने 1/4 टीस्पून ही डालना है, हमको क्वांटिटी नहीं पता होती है इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। कोई जब भी प्रॉब्लम आती है, कोई मतलब बहुत गर्म करता है काढ़ा, तो इसको बिल्कुल हमने आधे गिलास पानी में 1/4 या 2 पिंच ही हमने ये पाउडर लेना है, ये हम पानी में डाल देते हैं और इसको उबालना है। और साथ ही थोड़ा टेस्ट के लिए हम लोग शुगर भी डाल सकते हैं, शुगर अकॉर्डिंग टू आप टेस्ट डालिए। तो मैं सिर्फ आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पे, इसको 1 बॉइल लेना है। बॉयल आ गया है, बस गैस ऑफ करके मैं इसको उतारती हूँ। चाहे तो आप छान के पीजिए या ऐसे भी पी सकते हैं, मैं इसको छान के ले रही हूँ। देखिए हमारा काढ़ा रेडी हो गया है, इसको गरम गरम पीना है, बहुत फायदा देगा। हमारी दोनों चीज रेडी हो गई, हल्दी का पानी और काढ़ा। आप इसे टाइम टाइम पे लीजिए, दो टाइम दिन में लीजिए। ये काढ़ा है, ये भी बहुत फायदा करेगा, मुझे तो काफी फायदा हुआ था। मैंने आप इस तरह से दोनों रेडी कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। तो देखा ना आपने, इतनी झटपट से तैयार हो गया है, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। सेफ रहिए, घर में रहिए, सारे प्रिकॉशन यूज कीजिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय।